कांग्रेस आला कमान जो भी निर्णय ले वो निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों को विशेष में ध्यान में रखते हुए जिस तरह से बीजेपी तैयार बैठी है, सरकार को पहले भी गिराने की कोशिश की, फिर गिराने की कोशिश की जाएगी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। आपकी हर जरूरत के लिए रेडी हैं हम सभी ब्रांड्स के साथ, जैसे लॉयड, वोल्टास, एलजी, हायक स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, जूसर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स के लिए आए फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक, केसरगंज, अजमेर। प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन 0% इंटरेस्ट। मेरी तो व्यक्तिगत राय यह है कि भाई पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम रहे हैं और सीएम रहते हुए अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहते हुए सीएम रहे, तो मेरा तो यह मानना है कि अभी एक साल तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आलाकमान का फैसला है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, सहयोगी दल का विधायक हूं, सरकार में मंत्री हूं, ये मैं निचोड़ी कांग्रेस वाला आलाकमान फैसला करेगा वो हम सबको भी मान्य होगा, सहयोगी दल के नाते भी हमें मान्य होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और अगर गहलोत साहब कांग्रेस अध्यक्ष पद के ऊपर निर्वाचित होते तब ये विषय डेवलप होता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन हो। अभी तो अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है उससे पहले, लेकिन कांग्रेस आला कमान के पर जो है ये बैठक रखी गई है तो मालूम पड़ेगा क्या इश्यू है। मुझे तो अभी तक ये नहीं मालूम कि क्या इश्यू है, क्या चर्चा होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस आला कमान जो भी निर्णय ले वो निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों को विशेष में ध्यान में रखते हुए जिस तरह से बीजेपी तैयार बैठी है, सरकार को पहले भी गिराने की कोशिश की, फिर गिराने की कोशिश की जाएगी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? भाई आप देखिए पिछली बार सरकार गिरी गई थी, 102 एमएलए अगर एकजुट नहीं रहते, किसी प्रलोभन में नहीं आए, लोगों को करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया लेकिन नहीं वो गए, तो इस पर भी तो मंथन होना चाहिए ना कि क्या ऐसी वो पड़ रही है। आप उन 102 की जो प्रतिबद्धता रही, वफादार रहे कांग्रेस के साथ, सहयोगी दल भी, निर्दलीय भी, लोकदल के, बीटीपी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो लोग मतलब एकजुट खड़े होकर के रहे, तो उन्होंने क्या गलती की? वो भी जा सकते थे, मतलब जिन्होंने गलती की उनको आप रिवार्ड कर रहे, तो ये तो मैं मेरा ये मानना है कि नहीं है। मैं सोचता हूं कांग्रेस आलाकमान एक उचित निर्णय लेगा, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखेगा, जनमानस की क्या भावना उसको ध्यान में रखेगा, ये भी ध्यान में रखेगा कि 2023 में सरकार आए किसी भी तरह से, वो भी ध्यान में रखेगा। और मेरा तो मानना है कि बीजेपी तो तैयार बैठी हुई है सरकार गिराने, बिल्कुल उसको तो मौका लगेगा, वो फिर कोशिश करेगी। आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं इस बात को? मारा ही कह रहा हूं, कांग्रेस आलाकमान का निर्णय हम सबको मानने होगा, जो होगा वो तो कांग्रेस पार्टी जाने और आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है लोगों की जो भावनाएं हैं